नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? सर उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई इस समय हम लखनऊ में हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब हैं, उनसे मिलवाते हैं आप लोगों को। उनके कुछ सवाल जवाब हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि जो और हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे जो इस लाइन से जुड़ना चाहते होंगे, तरह तरह के सवाल होते हैं। कुछ सवाल इनसे मिलते जुलते होंगे, कुछ इनके अलग से होंगे। कोशिश करेंगे कुछ सवालों के जवाब लेने के। सबसे पहले तो भाई आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। भाई आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। अकमल भाई साहब फतेहपुर का रहने वाले हैं। कई दिनों से हमारी आपकी बात हो रही है भाई साहब, मिलना चाह रहे थे हम। फतेहपुर कई बार गए, लेकिन जब जाते हैं उसके दूसरे दिन वीडियो पड़ पाता है, तो भाई मुलाकात तो संभव नहीं है। हालांकि नंबर नहीं था ना तुम्हारा हमारे पास, ना है ना, एक दूसरे का नंबर नहीं था। यूट्यूब पे देखा था। तो भाई भाई साहब जो है मिलने के लिए कल बोले थे लखनऊ या कानपुर। हमने कहा जहाँ भाई आप आना, लेकिन पहले फोन करके आना। आप मालूम हुआ कानपुर आ रहे हो, हम लखनऊ में हो। भाई ये कानपुर आए और कानपुर से फिर लखनऊ आए सिर्फ मिलने के लिए। वो तो अच्छा हुआ मैं गाड़ी की सर्विस वगैरह करवा रहा था, तो आज मैं यहाँ पे था, नहीं तो इतनी देर में तो वापस चला जाता। तो अकरम भाई आप जो है अपने क्वेश्चन पूछो। भाई साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जिस लाइन पे हैं, इस लाइन पे आना फायदेमंद है या नहीं अभी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दे भाई, सभी लोगों को। भाई तो सुन ही रहा है, जितने भी लोग आना चाहते हो आओ भाई। जिस भी धंधे में आप आज जाना चाहते हो या आना चाहते हो तो आराम से आ जाओ। बस ये समझ लेना कि जिस काम में आप मेहनत करोगे सफलता उसी में मिलेगी। और इस लाइन में क्या है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो आपको मेहनत कुछ ज्यादा ही करनी पड़ेगी ना। 10-12 घंटा साधारण मान के चलो। अगर आपको घर परिवार गाड़ी की EMI मेंटेनेंस सब निकालना है, अच्छे से परिवार चलाना है, घर चलाना है, गाड़ी की किस्त वगैरह आराम से जाती रहे, तो 10 से 12 घंटे आप समय दोगे भाई तो आराम से इतना बच जाएगा। और बल्कि इससे ज्यादा भी बच जाएगा। जैसे कि हमारी भाई बता दें, हम तो खैर काफी कुछ कमा लेते हैं, आपकी अर्निंग में दिखाते भी होंगे। अभी भी देखो कानपुर से लखनऊ आए हुए हैं, एक चक्कर में ही हमारा इतना हो जाएगा कि सब कुछ एकदम मेंटेन हो जाएगा। लेकिन नए नए में क्या थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है किधर की बुकिंग लें, किधर की ना लिखें, लें क्या रेट होगा। तो ये धीरे धीरे जब आप उसी लाइन में रहोगे ना, किसी लाइन में, तो जानकारी हो जाती है। साल दो साल का समय देना पड़ेगा। साल दो साल का टारगेट आप 1000 का लेके चलें, और फिर जिस हिसाब से आप मेहनत कर पाए उस हिसाब से आप अपना टारगेट बढ़ाते रहें। 1500 कर दें, 1600 कर दें, 2000 कर दें। सवाल मेरा ये भैया कि इस लाइन पे वैगनआर बेस्ट है या डिजायर? भाई गाड़ियां दोनों ही बेस्ट हैं। आप अपने बजट के हिसाब से देखिए तय कैसे किया जाता है। पहली बात तो रुपया पैसा, अगर बजट कम है तो आप वैगनआर ले लो, हालांकि रुपया आपके पास डिजायर भी लेने का है। फिर दूसरी चीज आती है कि हम बाहर रह के चलाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या जा उनके जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि सुबह शाम उनको घर में भी रहना है, बच्चों को भी देखना है, स्कूल भी छोड़ने जाना है, माता पिता की सेवा भी करनी है। और कुछ लोग जो एकत्र परिवार में रहते हैं, कई सारे भाई होते हैं, बहन होते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं रहता था सऊदी में, ठीक है ना। मैं अभी चला आया, सिर्फ जो भैया ने बोली कि घर परिवार देखने की वजह से, यही रीजन है मेरा यहाँ पर आने का। अब चूंकि मेरा घर फतेहपुर है, अब फतेहपुर से मैं कानपुर रहूँ या लखनऊ रहूँ, दोनों बराबर है मेरे लिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आप ये बताइए। बिल्कुल वही चीज मैं बता रहा हूँ, क्या कि आप जैसे आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको सुबह स्कूल छोड़ना है या मम्मी पापा को दवाई देना है, तो आप बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि आपको टाइम से शाम को 6 बजे घर पहुंचना है, सुबह 10 बजे निकलना है शाम को, तो आपके लिए वैगनआर सही है। आपके भाई बहन है, परिवार सक्षम है, आपकी मदद कर सकते हैं। एक दो दिन आप बाहर भी रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले सब देख लेंगे, है ना। तो भाई आप डिजायर ले लो। अब देख लो भाई, जिसके पास समय हो, भाई बहन हो या सब कुछ अच्छे से चल रहा हो, तो डिजायर ले ले। और जिसके पास समय से आना और समय से जाना हो घर, तो भाई फिर वो वैगनआर ले, क्योंकि उसमें लोकल की ड्यूटी होगी, आप जब चाहोगे तो घर चले जाओगे। अब आउटसाइड में क्या है, हम यहाँ से इलाहाबाद गए मान लो, और हमें शाम को 6 बजे घर वापस आना, तो भाई खाली तो आएंगे नहीं, फिर तो हम वेट करेंगे। हो सकता है रात भी गुजारनी पड़े इंतजार में, क्योंकि कभी कभी होता है बुकिंग नहीं मिलती भाई, तो हम लोग वेट करते हैं। जब बुकिंग मिलती है, क्योंकि वहां से खाली आएंगे तो 1500-2000 खर्चा आता है टोल और CNG वगैरह निकाल लगा के। अगर उधर से लेके आएंगे 6-7 हजार का भाई बिल बनता है, मान लो 4000 या 5000 भी मिल गए भाई, उसमें 2000 खर्चा भी कर दिया तब भी 3000 बच गए। तो इस तरीके हम लोग इंतजार, हर आदमी इंतजार करता है। हम भी देखो आए हुए हैं यहीं लखनऊ में भी बैठे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं कि इधर से लेके ही भाई बुकिंग जाएंगे। और क्वेश्चन हो तो पूछो भाई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे वैगनआर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या इस पे आउट स्टेशन खुलती है, जैसे मतलब? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आउट स्टेशन कैटेगरी सब में आती है। अच्छा, जो कस्टमर होता है जिसको प्राइम में पैसा ज्यादा लगता है, हाँ मिनी में वही मैं बता रहा हूँ,
जिसकी जेब हल्की है घर परिवार में थोड़ा सा अच्छा मतलब हल्का है तो वो क्या कहेगा कि भाई मिनी बुक कर लो 12-13 सौ हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। अच्छा, जिसके पास पैसे ज्यादा 15-16 सौ देगा तो वो भाई सिडान बुक करेगा। आईडी वगैरह बनवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आपकी नई गाड़ी होगी, आप नए हो, पीयूष भाई फ्री में आईडी बना देंगे। अच्छा, आईडी का पैसा तभी लेते हैं, उबर तो फ्री में बनाते हैं लेकिन ओला का 300 रुपए वो ले लेते हैं अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, पुरानी आईडी है तब, क्योंकि वो जॉब तो कर नहीं रहे, ना ही वेंडर है वो, तो वो जेब खर्चा अपना लग सकता है। बताऊं मैं अभी पुरानी गाड़ी ही लूंगा, ठीक है ना? अच्छी बात, सेकंड हैंड कोई कंडीशन की, क्योंकि अभी मुझे इस लाइन में कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा मुझे जानकारी हो जाए उसके बाद मैं बिल्कुल। और मैं तो कहना चाहूंगा भाई कि पहले तो किसी दूसरे की गाड़ी चला के देख लो, वो ज्यादा अच्छा है। और बकाया हर आदमी चला भी नहीं सकता, क्योंकि दूसरे गाड़ी चलाना और लाला बनिया की नौकरी करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। बिल्कुल स्क्रैच आया भाई, मैंने कभी किसी दूसरे का काम नहीं किया है भैया, वही मसला है अपना। हाँ, इसी वजह से मैं थोड़ा से आपसे मिलना चाह रहा था कि क्या प्रोसीजर है, मतलब पुरानी गाड़ी लेके चलने में, नई गाड़ी में, तो यही सब पूछना चाह रहा था। बिल्कुल, नई लो या पुरानी लो, अगर पुरानी गाड़ी भाई अच्छी मिल जाए तो नई से भी अच्छी है भाई, कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। आप काय फालतू 3 साल 4 साल 5 साल लोन जमा करते हो, टेंशन भी होती है कि इसमें कितने वक्त पुरानी गाड़ी लग सकती है सेकंड हैंड में। पहले तो 3 साल था, 5 साल भी हो गया है, अब 2018 तक की ले लोगे तो गाड़ियां भाई लग जाएगी। 2018 मॉडल भी लोगे ओला में उबर में दोनों में गाड़ी लग जाएगी, इस समय मैं बात बता रहा हूँ। 5 साल पुरानी आप गाड़ी ले लो, बल्कि 1-2 साल 3 साल की चली हुई ले लो ज्यादा अच्छा है, वो लंबी दूरी तक चला सकते हो। हाँ, उससे आपको भरोसा रहेगा, क्योंकि मैं मेरे को किसी ने सलाह दिया, आप ही के मिलने वाले हैं, वो जो सेंट क्या नाम है उनका, कानपुर के ही हैं। हाँ, वेगन आर जो लिए हैं, नहीं सिलेडियो लिए हैं रेंट पे गए। हाँ, वो शायद क्रिश्चियन भाई साहब। हाँ, क्रिश्चियन हमें वीडियो में भी आ चुके हैं, हमने उनका नंबर भी दिया। उन्होंने बोला क्या यार, जितने का तुम रेंट भरोगे उतने में कम में तुम्हारी किस्त जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी वजह से कोशिश करना लोकल का ही नंबर ले, लोकल का मतलब ऐसे जैसे आपको लखनऊ में रह के चलाना है तो लखनऊ का नंबर ले लो। हाँ, या अच्छा, कानपुर का नंबर ले लो, या अपने आप फतेहपुर का नंबर ले लो। जैसे अगर दिल्ली और हरियाणा नंबर गाड़ियां, नहीं भाई नहीं, उसमें लेने को तो ले आओगे, उसमें ज्यादा खर्चा होता, आप वहां का भी टैक्स जमा कर रहे हो प्लस यहां का भी टैक्स जमा करना पड़ेगा, डबल टैक्स, और प्लस पुलिस भी परेशान करती है, ठीक है। और तीसरा कारण ये, आपको फिटनेस कराने वहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, साल में एक बार, 2 साल में एक बार होती है। यूपी में आता है। हाँ, तो गाजियाबाद आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, फिटनेस तभी होगी, उसमें 1-2 दिन का समय आपका लगेगा, 3 दिन का लगेगा, वो आना जाना खर्चा फालतू में जाएगा, आपको पैसे देने ही, वहाँ फ्री में तो मिलेगी नहीं भाई। तो यहीं का नंबर लेना, अगर लखनऊ में रह के चलाना है तो लखनऊ का, या फतेहपुर का, या कानपुर का, तीनों का एक ही जैसा है। और अगर जो फतेहपुर का नंबर ले वो ज्यादा अच्छा रहेगा, घर आओगे जाओगे घर पे खड़ी होगी ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं मैं देखिए वहाँ से मैं रोज तो अप डाउन करूंगा नहीं, अरे हफ्ते 10 दिन में भाई, त्योहार। हाँ, में तो जाओगे, ईद बकरी तो जाओगे भाई, अपना एक बार शाम को गए, अपना सुबह उठ के चले आए, ठंडे ठंडे अपना काम धंधा देखे। बिल्कुल, ये वाला हिसाब। एक अयाज भाई साहब है आपकी बिरादरी के, बहुत अच्छे है, जैसे पीयूष भाई है वैसे वो है, तो उनसे मैं मिलवा दूंगा, गाड़ी अटैच करते हैं। हाँ, कानपुर में अच्छा अटैच करते हैं, लखनऊ भी देखते हैं, कानपुर भी देखते हैं, जो कानपुर में गाड़ियां जो कंपनी दे रही है वो अयाज भाई समझ लेता है। अच्छा, स्टार्टिंग में आउट स्टेशन तो खुलती नहीं होंगी? नहीं, कुछ दिन, महीने 2 महीने लोकल में चलानी पड़ेगी, लोकल में चलानी, उसके बाद खुली। हाँ, यही मतलब था मेरा कि जैसे मतलब लखनऊ से ले रहे हैं तो लखनऊ में ही 1-2 महीना। हाँ, लोकल में चलाना पड़ेगा, और खुल भी जाएगी तो कोई गारंटी नहीं कि पहले दिन से ही आपको मिलने लगे। हो सकता है रेटिंग आपकी सही ना हो, किसी दूसरे की रेटिंग ज्यादा अच्छी हो, कोई बुक करे तो हो सकता है उसके पास चले जाए, आपके पास ना आए, बुकिंग ऐसा भी होता है। तो खुलने के बाद ये चांसेस रही थे कि हाँ अब हम उसके काबिल हैं। हाँ, कंपनी हमको अब काम दे सकती है। हाँ, ये चीजें तो यार भैया जो है लगभग आज 70-80 किलोमीटर उधर गाड़ी चला के हैं, 150 से 150 ऊपर चल चुकी है गाड़ी, 150 चल चुकी है, अभी 200 करीब और चलेगी, 250 भाई बाइक से आया भाई 150 किलोमीटर गाड़ी चला के, और अब इसको फ्री करेंगे क्योंकि इनको भी बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने हैं और हमें देने हैं, जवाब देने हैं। फिलहाल वो मेट्रो जा रही है, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और जो भी भाई हमारा सब्सक्राइबर भाई हो, कुछ क्वेश्चन हो उसके सवाल मन में, तो आके मिल के डिस्कस कर सकता है, कोशिश करूंगा कि उनके सारे सवालों के जवाब दूं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलो किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम। ओके, जय हिंद जय भारत।